भाई क्या नाम है आपका, कहाँ पर आए हो, क्या समस्या है? मैं अमित कुशवाहा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी से। अब आज हम यहाँ पे जिला तहसील में आए हैं, माननीय जिले के जो डीएम साहब हैं उनको ज्ञापन देना है जी। क्या समस्या है, कौन सी समस्या? हमारी ये है कि ये हमारे कुशवाहा समाज की जो जमीन है जिसको भाजपा सरकार प्रशासन उसको अवैध तरीके से उसका निर्माण करा रही है, और जहाँ से नाला बह रहा है वहाँ से ना बह कर बना करके उसे वो आज हमारे किसानों के खेतों में जा करके बनाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आज ये समस्या डीएम साहब को बताने के लिए आए थे कि उसे किसानों की ज़मीनों में ना बना करके जहाँ से नाला बह रहा है वहीं से बनाया जाए। कहाँ की घटना है ये? सिंगर्रा। ये घटना वार्ड नंबर 24 सिंगर्रा की है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, मिले हुआ? डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हमारे इंजीनियर्स वहाँ पर जाएंगे और नाप होगी, और जहाँ से निश्चित बह रहा है नाला वहीं से नाला बनाया जाएगा। अगर नहीं हुई सुनवाई तो कौन सा कदम? अगर आज हमारे साथ जो कुशवाहा समाज के साथ जो यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है, अगर हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं की गई तो हम लोग निश्चित ही सड़कों पर उतरेंगे और पूरी कुशवाहा समाज विशाल धरने के रूप में विरोध करेगी। दादा आप वहीं के रहने वाले हो, क्या समस्या आप बताइए? जहाँ पर मेरी जमीन में से नाला निकाला जा रहा है। अच्छा, परेशानी क्या है आपको? अरे नाला जहाँ से बह रहा है वहाँ से हटा के मेरी जमीन में निकाला जा रहा है। हाँ तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक जी। आप बताइए आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं नाले? देखो ऐसा है कि वहाँ जो नाले इससे पहले वर्तमान में बने हुए हैं, नगर निगम ने बनाए थे, तो 55 फुट के गहराई से चौड़ाई से नाला बना हुआ है, ठीक है। अब वो जो नाला 55 फुट के बने हुए हैं, अब जाके नाले दोनों एक होते हैं, जब एक होते तो 55 फुट के जब दो बने आ रहे, तो जब एक जब दोनों नाले हो रहे तो उसमें कितना चौड़ाई होना चाहिए उनकी? उनकी चौड़ाई कम से कम 60-70 फुट तो होना चाहिए। ये कुछ क्या है कि भाजपा के नेताओं ने उस जमीन को खरीद लिया, घुमा दिया, खरीदने के बाद अब उसको 20 फुट का कर रहा है, का बना रहे हैं। और 20 फुट का करने के बाद जब 20 फुट का होगा तो जब 55 फुट पे भी जो पानी भरता था घरों के अंदर, और 3-3 घंटे हम लोग जो इंतजार करते थे घर पहुंचने में, और जब आप 20 फुट का बनाओगे तो मालूम पड़ा कि रात रात भर जो है नाला नहीं उतरेगा, घरों में पानी गिरेगा, घर आदमियों के गिरेंगे। अब उसमें ये हो रहा है कि जो नाला वर्तमान में चला आ रहा जो लेवल है जो नाले का, वो लेवल से आप बनाए, ये लेवल ही बना रहे जो वहाँ गड्ढा कर रहे हैं 10 फुट का। जब 10 फुट का गड्ढा करेंगे तो भी बुथा होगा, बुथा होगा तो मच्छर पैदा होंगे। भाई नाला निर्माण होता है, नगर निगम करती है, जहाँ पानी देखती है वो उसको निर्माण करती है, ना कि खेतों के अंदर। जहाँ से पानी आ ही नहीं रहा है तुम वहाँ नाला बना रहे हो, जहाँ पानी बह रहा है उसको तुम बंद कर रहे हो। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? अब डीएम साहब ये कह रहे हैं कि जो है हम इसमें जो है इंजीनियरों से जो है इसकी जो है जांच कराएंगे और उसकी नाप तोल कराएंगे, फिर उसके बाद हम आप बताएंगे आपको। तो ये कहा है डीएम साहब ने, कम से कम 10,000 आदमी की आबादी है वहाँ पर। और मैं निश्चित तौर से आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये नाला आगे चल के इन लोगों ने 20 फुट का कन्वर्ट किया तो वहाँ पर निश्चित ही कम से कम और ऐसे इतने घर हैं वहाँ पर जो पुराने बने हुए हैं वो बह जाएंगे, और आगे चल के सरकार को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी आप वीडियो देखोगे, वीडियो में देख के रह जाएंगे कि इतने जो पानी जो पहले से, अगर 2 घंटे बारिश हो जाए, 2 घंटे बारिश में इतना पानी भर जाता है लबालो जिसकी उम्मीद है, माने 300 फुट चौड़ाई जाती है, 300 फुट में पानी जो है 8 फुट गहरा जाता है, 8 फुट गहराई से जाता है, हम लोगों की गाड़ियां तैरने लगती है। कितने आदमी बने? अब ये नाला का रुख ये आ रहा है, और ये नाला यहाँ से बना रहा है भाई। देखिए अब मैं आपको बिल्कुल वीडियो से आप देखें, ये पानी जा रहा है इधर को, और ये दूसरा नाला है, ये पहला नाला है, ये दूसरा नाला है, ये दो नाले हैं, और ये नाला बना रहा है यहाँ से बना रहा था, यहाँ से बना रहा है, ये मेरी उंगली है, यहाँ से बना रहा है ये नाला। आप बताइए यहाँ से कैसे आएगा, कैसे मोड़ेंगे आप, बताइए आप कैसे मोड़ेंगे आप?